हेलो फ्रेंड, स्वागत है ड्रीम जॉब अड्डा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। तो आज का ये वीडियो हमारा एमपीपीएससी प्री 2023 का सिलेबस क्या हो सकता है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और एक इम्पोर्टेंट सूचना ये है कि जो बच्चे एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम एमपीजीके की स्पेशल क्लास लेके आए हैं। क्लास आपकी चालू हो चुकी है और रेगुलर बेसिस में आपके 2 से 3 दिन में रेगुलर आपको पर डे क्लास मिल जाएगी। तो इसमें जो एमपी जीके का 30% वेटेज है, लगभग आपका 30% वेटेज है एमपी जीके का, 35 क्वेश्चन से कम नहीं आते हैं, 30 से 35 रहता है, तो ये यहाँ आपका कवर हो जाएगा हमारे चैनल पे, ठीक है। तो जिनको भी तैयारी करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और रेगुलर बेसिस पे आपको लेक्चर 1 से 2 दिन में मिल जाएंगे। और एक और इम्पोर्टेंट अपडेट कि हम जो है कि 2019, 20, 21, 22, ठीक है, 2019 हालांकि 19 हटा दीजिए, 20 से करते हैं क्योंकि पैटर्न जब से हुआ है चेंज, 2020, 2021 और 2022 इन तीनों ईयर के पेपर का एक डीपली एनालिसिस की बीट करा रहे हैं, सॉल्यूशन करा रहे हैं, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो हर एक क्वेश्चन का आपको पर क्लास में 25 क्वेश्चन का एनालिसिस करा रहे हैं कि ताकि आप थोड़ा सा उसको डीपली एनालिसिस करा सकें, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और एक नई क्लास हम लेके आएंगे जिसमें इन तीनों सालों के वेटेज कैसा रहा है, कौन कौन सब्जेक्ट से कितना वेटेज दिया है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करें, तो उस वीडियो को भी आप देखिएगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो देखिए, सबको पता है कि 2 घंटे का पेपर होता है, 200 अंक का होता है, 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 100 क्वेश्चन होंगे। एंड द्वितीय पेपर होता है इसमें भी, वो भी 100 क्वेश्चन 200 अंक का होगा, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, सी सेट का पेपर, इसको बोलते हैं सी सेट बोल देंगे। पेपर फर्स्ट से आपका जो है मेरिट बनेगी, ठीक है, पेपर टू सिर्फ क्वालिफाइंग है, पेपर फर्स्ट से मेरिट बनती है। देन देखिए, आप सिलेबस की बात करेंगे तो यहाँ बस 10 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एमपी पीएससी प्री का सिलेबस को 10 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट में आपका क्या है कि मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य, ये तीन चीज को जोड़ा गया है फर्स्ट पार्ट में। इसमें संस्कृति और साहित्य से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इतिहास से कम बनेंगे क्वेश्चन, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपका संस्कृत, कला संस्कृत और साहित्य से बनता है। तो यहाँ पर देखिए, मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, राजवंश, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, देन आपका मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं और स्थापत्य बहुत इंपॉर्टेंट है, जनजातियां इंपॉर्टेंट, 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, मध्य प्रदेश के त्योहार, लोक संगीत, लोक कलाएं, लोक साहित्य, मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार उनकी कृतियां, सभी क्वेश्चन आपके बनते हैं, 1 क्वेश्चन लगभग लगभग बन ही जाएगा, 2 भी बन सकते हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल एंड मध्य प्रदेश की जनजाति व्यक्तित्व, ठीक है, ये सारे को टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मेनली आपकी कला संस्कृत और साहित्य से क्वेश्चन आते हैं, अगर 10 क्वेश्चन होंगे तो यहाँ से आपके 7 से 8 बन जाएंगे और 1 से 2 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे मध्य प्रदेश के इतिहास की प्रमुख घटना। देन अगर सेकेंड पार्ट में मध्य प्रदेश भारत का इतिहास को जोड़ा गया है, ठीक है, भारत के इतिहास से ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, आपके 3 से 4 क्वेश्चन ही बनते हैं, और ज्यादा अगर मेनली क्वेश्चन आपका क्या होगा, मॉडर्न का होगा, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री का ही मैक्सिमम क्वेश्चन होगा, और ज्यादा 1-2 क्वेश्चन अगर आएंगे तो एंशियंट क्वेश्चन का आ सकता है, सिंधु घाटी सभ्यता, इन सब चीजों से, ठीक है। तो इसका आप देख लीजिए, एक बार देख के तो जाना है एग्जाम में, भले आपको मेनली किस चीज को पहले फोकस्ड प्रायोरिटी में किसे रखना है, ये चीज अलग होती है। 17 दिसंबर को आपका एग्जाम है तो आप सबसे पहले उस टॉपिक को देखेंगे जो टॉपिक ज्यादा नंबर का आ रहा है, फोकस्ड होता है, फिर उसके बाद कम प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स को देखेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए, प्राचीन और मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, घटनाएं एवं उनकी प्रशासनिक, सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्थाएं। नेक्स्ट, 19वीं और 20वीं शताब्दी में सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन, स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण एवं पुनर्गठन, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखिए, थर्ड में आपको मध्य प्रदेश का भूगोल है एंड फोर्थ में भारत एवं विश्व का भूगोल है। तो मध्य प्रदेश के भूगोल से ही मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो देखिए, इसमें क्या है आपका, वन होगा, वन जीव, नदियां, पर्वत, पर्वत श्रृंखला, मध्य प्रदेश की जलवायु, मध्य प्रदेश का प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन, मध्य प्रदेश में परिवहन, मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाएं, मध्य प्रदेश में कृषि, पशुपालन एवं कृषि आदत। तो इस चीज के लिए एमपीजीके के लिए आपको टेंशन नहीं लेना, एमपीजीके की टेंशन हमारी है, ठीक है, आपको एग्जाम के 10 दिन पहले ही इसको कवर करा दिया जाएगा, 10 दिन पहले ही
पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज के आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। भारत में विश्व का भूगोल, ये भौतिक भूगोल, भौतिक विशेषताएं प्राकृतिक प्रदेशिक आएगा। देन आपका प्राकृतिक संसाधन, वन खनिज संपदा, जल कृषि, वन्य जीव, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य और सफारी। ये जो आपका राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य सफारी, ये आपके इन्वायरमेंट में भी कवर हो जाता है, यहाँ भी कवर हो जाएगा, दोनों जगह कवर हो जाता है। सामाजिक भूगोल, जनसंख्या संबंधी, ठीक। अब आर्थिक भूगोल में देखिए, प्राकृतिक और मानवीय संसाधन है, विश्व के महाद्वीप, देश, महासागर, नदियां, पर्वत। विश्व के प्राकृतिक संसाधन, परंपरागत एवं गैर परंपरागत, ऊर्जा स्रोत। यहाँ देखिए 5 नंबर का टॉपिक जो होगा आपका, राज्य की संवैधानिक व्यवस्था है। मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था में राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज एवं नगरीय प्रशासन व्यवस्था। देन इसमें दो पार्ट है, आ पार्ट हो गया, बा पार्ट में क्या, राज्य की अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की जननांकी एवं जनगणना, मध्य प्रदेश की आर्थिक विकास, मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग एंड मध्य प्रदेश की जातियां, अनुसूचित जातियां एवं जनजातियां तथा राज्य की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं। इन टॉपिक्स को आपको देखना है। देन 6 नंबर टॉपिक होगा भारत का संविधान एवं शासन प्रणाली। इससे आपके 7 से 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। और क्वेश्चन जो होंगे भारत के संविधान में, आपको बेसिक क्वेश्चन आप जब क्वेश्चन सोल्यूशन कराऊंगा तो आप देख लीजिएगा, पिछली बार भारत का राष्ट्रपति या देश, ऐसे आर्टिकल, किस आर्टिकल में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो भारतीय शासन अधिनियम 1919 एंड 1935, संविधान सभा, संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति एवं संसद, नागरिकों का मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य एवं DPSP, संवैधानिक संशोधन, यानी कि संविधान में जितने भी संशोधन हुए उनको आपको पढ़ना, सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायिक व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास एवं विदेशी व्यापार, आयात और निर्यात, ठीक है। वित्तीय संस्थाएं, इसमें रिजर्व बैंक होगा, राष्ट्रीय बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, सेबी, NSE, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान, ठीक है। इन टॉपिक्स को भी आपको देखना है। अब देखिए विज्ञान एवं एनवायरनमेंट, साइंस एंड एनवायरनमेंट के भी आपके 8 से 9 क्वेश्चन समझ लीजिए, 8 से 9 क्वेश्चन, बहुत ही बुरा स्थित हो तो 7 क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन इतने क्वेश्चन मान के चलिए दोनों को, ठीक है। तो देखिए इसके भी टॉपिक्स देख लेते हैं, जो टॉपिक्स है आप उन्हीं को पढ़ना, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ के जाना नहीं है। विज्ञान एवं मौलिक सिद्धांत से क्वेश्चन आ सकते हैं, भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान पिछली बार आए हुए हैं, उपलब्धियां, उपग्रह एवं अंतरिक्ष, पर्यावरण एवं जैव विविधता से क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र से क्वेश्चन बनते हैं, पोषण, आहार एवं पोषक तत्व से, मानवीय संरचना, इससे पिछली बार क्वेश्चन बने हैं, ज्वाइंट से बने हैं, ज्वाइंट से पूछा गया था कि किसका एग्जाम्पल है, ठीक है, कौन से ज्वाइंट्स का एग्जाम्पल, ठीक है। कृषि उत्पाद तकनीक, खाद्य प्रसंस्करण है, देन स्वास्थ्य नीति एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, यानी कि ये टॉपिक से भी पिछली बार क्वेश्चन बना हुआ है, तो इन चीजों को भी आपको देख के चलना है, ठीक है। अब देखिए अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय, यानी करंट अफेयर का, ये करंट अफेयर के ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, आपका 4 से 5 क्वेश्चन ही समझ के रखिए, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। करंट अफेयर को ज्यादा फोकस नहीं करना, लास्ट में फोकस करना है जब आपके एग्जाम के 1 महीने पहले, ठीक है। और मैं 1-2 मैगजीन बता दूंगा, उनसे पढ़ेंगे तो सारा कवर हो जाएगा। इसमें महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एवं स्थान है, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत एवं मध्य प्रदेश के प्रमुख खेल संस्थाएं, खेल प्रतियोगिताएं एवं पुरस्कार। नेक्स्ट आपका सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे 7 से 8 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आप इसमें क्या क्या देख के जाना, इलेक्ट्रॉनिक, सूचना प्रौद्योगिकी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, ई कॉमर्स, इंटरनेट सोशल नेटवर्किंग, इससे काफी क्वेश्चन बनते हैं। इंटरनेट सोशल नेटवर्किंग से प्रोटोकॉल से क्वेश्चन आ जाते हैं, एंड इसमें भी ई गवर्नेंस, ठीक है। ये इतने टॉपिक आपका सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में है। देन आपका नेक्स्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, 10th टॉपिक, राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक संस्थान, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। भारत का निर्वाचन आयोग, राज्य का निर्वाचन आयोग, ये दोनों निर्वाचन आयोग हो गया, लोक सेवा हो गया भारत का और मध्य प्रदेश का, नियंत्रण में महालेखा परीक्षक है, नीति आयोग है, मानवाधिकार आयोग है, महिला आयोग, बाल संरक्षण आयोग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, सूचना आयोग, केंद्रीय सतर्कता CBC जो है, राष्ट्रीय हरित क्रांति जो है, हरित अधिकरण है, एंड खाद्य संरक्षण आयोग इत्यादि। तो आयोग से भी आपका क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये आपका मध्य प्रदेश का सिलेबस रहा प्री का, ठीक है। MPG की क्लास हमारे चैनल में रेगुलर 1 से 2 दिन में हो जाएंगी, 1-2 क्लास ऑलरेडी करा चुके हैं,
उन्हें देखिएगा रेगुलर जैसे होगी तो आप वहां से जुड़िए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि ज्यादा बच्चों के पास ये वीडियो पहुंचे। चलिए, थैंक यू।